अभी हो गए हम रेडी, अभी जा रहे हैं डिनर के लिए, और मोक्स भी हो गया रेडी, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए। दोस्तों खाना डिनर में है, बैंगन की सब्जी, रोटी, सैलड, पनीर की सब्जी, गोभी मंचूरियन। फाइनली दोस्तों खाना खा लिया। खाना खाने के बाद यहाँ पे नियर बाई कोई बागा बीच है, उस पे चलते हैं। बाकी कल मैं एक्सप्लोर करके बताऊंगा आपको अच्छे से, अभी नाइट में वैसे ही वॉक करने के लिए चल पड़ते हैं बागा बीच। कितना डिसेंट सा एरिया है, मतलब खाली सी सड़कें, मतलब पहाड़ी भी लग रही है और एक प्लेन रोड भी है, तो मतलब दोनों के मजे हैं, पहाड़ी भी और प्लेन भी। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और अभी करते हैं नए दिन की शुरुआत। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 हुए हैं और मैं निकला हूँ थोड़ी मॉर्निंग वॉक पे, और थोड़ा शहर को एक्सप्लोर करते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि इस टाइम क्राउड भी कम हो जाते हैं। बीच वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी होटल का व्यू मैं अभी जाके कराऊंगा आप लोगों को। होटल का व्यू नहीं कराया मैंने, क्योंकि कल थोड़ा एक्सप्लोर किया, यहाँ की लोकल मार्केट्स वगैरह देखी, फिर उसके बाद सो गया मैं, क्योंकि कल सब थके हुए थे, तो उसके आने के बाद सब सो गए। तो आज का पूरा दिन पैक है, फोर्ट देखने जाएंगे, फिर कोई मम्मीज वगैरह हैं वो देखने जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसी के साथ आपको दिखाता रहूँगा वन बाई वन। तो जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ आपको भी लेके चलता हूँ। दोस्तों ये जो देख रहे हो ना आप, ये सुबह के टाइम पे सारी बंद है, मतलब बिल्कुल सुनसान बना हुआ है सुबह। ये पूरी रात, मतलब एक वॉकिंग स्ट्रीट टाइप है ये, और इस पे पूरी रात कैफे ये ओपन थे, मतलब जैसे थाईलैंड में होता है वैसे ही ये दोनों साइड में कैफे और बार है। ये टैटू शॉप, मतलब टैटू का काफ़ी क्रेज है यहाँ, और दूसरा ये बार्स वगैरह कैफे और बार है। तो इवनिंग में यहाँ काफ़ी डीजे वीजे सब बज रहा था और काफ़ी साउंड हो रही थी। तो आज की नाइट में मैं ये वाली वॉकिंग स्ट्रीट पूरी एक्सप्लोर करूँगा, तो वीडियो में बने मेरे साथ। बाकी अभी मैं मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ आपको। ये आ गए हम सी पे, कितना जबरदस्त नजारा है। मॉर्निंग में कितना प्यारा लग रहा है, इधर हो रहा है सनराइज और इधर सी व्यू। लाइफ गार्ड वाली वैन देख रहे हैं, लाइफ सेवर, ये ऐसे फ्लैग यहाँ पे लगा के जा रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे भी ये बीच पे ना, मतलब फ्लैग लगे हैं वहाँ पे, मतलब डेंजर है वहाँ पे, आप मतलब स्विमिंग वगैरह तो कर ही नहीं सकते अभी के टाइम पे, नवंबर दिसंबर में स्विमिंग करेंगे आप, लेकिन जहाँ जहाँ ये फ्लैग लगे हैं वहाँ पे डेंजर, तो इसी के लिए ये आए हुए हैं सुबह सुबह, ये फ्लैग लगा देंगे, मतलब सबको पता रहे कि यहाँ पे डेंजर है, अपना ध्यान रखें, क्योंकि कितनी हाई वेव्स आ रही है ये देखो। वैसे जहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं वहाँ पे इतनी हाई वेव्स नहीं होती। तो चलते हैं दोस्तों, अभी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो गई है, उसके बाद अभी रूम पे जाके रेडी होना है। गाइड ने बोला था 10 बजे, शार्प 10 बजे वो
साइट विजिट के लिए जाएंगे कि क्या क्या आज दिखाने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों, जो ये बीच देख रहे हो ना, ये अभी के टाइम पूरा खाली है, लेकिन जैसे ही दिसंबर जनवरी आता है तो ये पूरा भर जाता है। मतलब यहाँ पे वो पूरी चेयर्स वगैरह सब लग जाती हैं और ये पूरा पैक हो जाता है। लेकिन अभी है सितंबर का फर्स्ट वीक, तो अभी थोड़ा सा खाली। तो मेरे साथ बने रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी चल पड़े होटल की तरफ और ये देखिए सुबह सुबह सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह की वॉशिंग वगैरह सब चालू होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी क्या है सुबह का टाइम है। रात को जब मैं आया था, वैसे आज मैं नाइट में यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ ये क्या है। ये पूरी इनकी वॉकिंग स्ट्रीट है। उस रात को जब मैं यहाँ पे आया था तो वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन देखा तो ये पूरे बार पूरे पैक होते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड होता है और मस्त डीजे वगैरह प्ले होता रहता है यहाँ पे। तो एक अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे और भी आपको सामान लेना है, कुछ भी कपड़े वगैरह, तो यही मार्केट है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पूरा खाली है, सब बंद है, कुछ भी ओपन नहीं है। इवन रेस्टोरेंट भी अभी ओपन नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये है गोवा का अभी तक का सीन और ये बागा बीच का एरिया है। अगर आप बागा बीच आएंगे तो ये वाले एरिया पे हैं। अभी सुबह के 8 बज गए, तो 8 बजे कुछ एक रेस्टोरेंट तो ओपन होने स्टार्ट हो गए, लेकिन प्रॉपर अभी ओपन नहीं हुए। जो रेस्टोरेंट प्लस बार है वो अभी कम ओपन हुए, जो प्रॉपर ही रेस्टोरेंट है वो ओपन हो गए। और एक जैसे थाईलैंड में है स्पा, यहाँ भी बहुत सारे स्पा हैं। जैसे थाईलैंड में स्पा है, वैसे यहाँ पे भी बहुत स्पा है, स्पा का यहाँ भी बहुत क्रेज है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताने भूल गया, हर दुकान पे ये पेट्रोल बिक रहा है। ये पता नहीं क्यों बिक रहा है, मतलब इंडिया में भी ऐसी जगह है जहाँ ऐसे पेट्रोल मिलता है। ये फूड कॉर्नर, ये फूड कोर्ट है पूरा, ये ओपन हो गया अभी। यहाँ पे भी सारी चीज़ें होती हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह सब कर सकते हैं। भारत कैफे, वेज नॉन वेज। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है कि गोवा में सारा नॉन वेज वगैरह, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। कि आपको, आप अगर जैसे मैं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेज वेज वाले में ही खाना पड़ेगा। मतलब प्योर वेज रेस्टोरेंट भी हैं गोवा के अंदर। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि जो प्योर वेज में ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे अवेलेबल है आपको वेज, और वेज में नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है इनका खाने का। खाने का टेस्ट वेज का बहुत बढ़िया। बाकी आज मैं एक बारी आपको यहाँ के जो रेस्टोरेंट है उनका मेन्यू दिखाऊंगा कि क्या प्राइस रहता है खाने का, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कितने बजट में आप यहाँ पे आके बाइक वगैरह थार भी रेंट कर सकते हैं। ये देखो थार लेके जा रहे हैं, मतलब रेंट करो। अगर आपका अच्छा खासा ग्रुप आया है, मतलब 5-6 लोगों का, तो आप थार वगैरह भी रेंट कर सकते हैं। खुद जैसा मतलब मूवीज वगैरह में देखा था कि बड़े बड़े विला हैं, जैसे दृश्यम में ही है वैसा ही है। यहाँ पे ऐसे ही विला है और घर भी थोड़े बड़े बड़े हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी स्कूटी रेंट के लिए है, आप रेंट कर सकते हैं सारी स्कूटी। इसका प्राइस पर शो हो रहा होगा, ये स्कूटी रेंट का यहाँ पे इतना प्राइस है। लेकिन यहाँ पे लोग लिकर इतनी कंज्यूम करते हैं। थोड़ी सी दूर पे ही
मतलब थोड़ी सी दूर पे कोई ना कोई बियर कैफे या वाइन शॉप मिल जाएगी आपको इजीली। ये देखिए बिल्कुल न्यू था रेंट कैब। और नारियल के पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा, हर घर में एक नारियल का पेड़ है। जाके स्विमिंग पूल में नहाते। ये है हमारा होटल जिसमें मैं रुका हूँ। तो ये हमारा होटल का ये एंट्रेंस, मतलब आपको पार्किंग मिलेगी यहाँ पे, आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। फिर ये है होटल की रिसेप्शन, तो आप यहाँ से रिसेप्शन पे जा सकते हैं। फिर दूसरा इधर से आता है इनका स्विमिंग पूल। बाकी रूम मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको कल। रूम की बालकोनी वगैरह दिखाता हूँ, उससे भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था रात को, नहीं सुबह जब मैं उठा तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था बालकोनी से। ये है इनका छोटा सा एक स्विमिंग पूल, ये कॉमन स्विमिंग पूल यहाँ पे। ये इनका स्विमिंग पूल, ये है स्विमिंग पूल का बार, ये शावर के लिए, और ये है इनका कैफेटेरिया। ये कैफेटेरिया इनका, मतलब रेस्टोरेंट। यहाँ पे सुबह बूफे लगेगा और आप खाना खा सकते हैं। कितने बजे लग जाता है बूफे? 8 बजे खाना लग जाता है। और कितने? 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक, मतलब ब्रेकफास्ट होगा आपका। जा रहे हैं नहाने के लिए स्विमिंग पूल। ये आगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में है पूरी आलू की सब्जी, और ये है सांभर इडली, और ये आ गया आपका सेवैया उपम। ये पत्नी क्या है? अच्छा खीर है। और ये ब्रेड टोस्टर, अब जिसको टोस्ट करके खाने। ये मैंगो जूस, और ये चिली फ्लेक्स, और ये बटर, बटर मिल्क, और ये सम सैलेड जिसको स्प्राउट खानी है, और ये सैंडविच है, स्मॉल सैंडविच। ये है आज हमारा ब्रेकफास्ट। अभी दोस्तों होटल से हो गए रेडी, और अब निकल रहे हम साइट विजिट के लिए। तो मैं जैसे जैसे आप चलते रहेंगे बताता रहूँगा, देखते हैं कि कौन सी साइट पे जाना है। बाकी आज किला वगैरह जो भी मैंने बताया था वो विजिट है। ये देखो मोक्स हो गया रेडी। हाय हाय सब सब। अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं गोवा के सबसे फेमस चर्च में। मतलब अभी हमारे गाइड, ये हमारे गाइड साहब हैं, ये अभी लेके आए हमें गोवा का, ये है सबसे फेमस चर्च। और इसमें इसकी सबसे खासियत बात ये है कि इसके अंदर जो ममीज है ना वो आज भी हैं। हो सका तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये है जो पुर्तगालियों ने बनाया था वो फेमस चर्च ये है। और देखो कितना पुराना चर्च है। Thank you.
पादरी हैं उनकी ड्रेसेस। मतलब मूर्तियाँ, इनके अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ होता होगा, स्टोन्स वगैरह वो सब निकाल दिए हैं। और ये बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये देखो तो। ये पूरी आर्ट गैलरी है कि हर एक चर्च से फोटो क्लिक की गई है। पूरे पणजी वाला चर्च है, पणजी के अंदर चले चाइना और जापान। ये वही मम्मी है जो नीचे दिखाई थी, नीचे दिखाई थी ना, मैंने उन्हीं की डिटेल्स है। ओल्ड आर्किटेक्ट है यहाँ का। ये छोटी सी एक बुक स्टॉल और आप ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं। स्टोरी को डिस्क्राइब करती है पिक्चर, मतलब 3D सब कुछ बनाया हुआ है। ये यहाँ पहुँचे थे तब आके पाल दिया था इसको, ऐसे ये जीसस पैदा हुए और वो सारी चीजें। ये जो है ये सब डेकोरेट कर। ये हम आगे चर्च से बाहर, ये चर्च दिखा रहा था मैं आपको। सबसे मेन इसमें है वो मम्मी, जो 1552 उनकी डेथ हो गई थी तो वो मम्मी बनाई हुई तब से है।